हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम बताने वाले हैं कि जो हमारा नोकिया फ़ोन है तो नोकिया फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में वाइब्रेट फॉर कॉल्स ऑप्शन है तो वाइब्रेट फॉर कॉल्स ऑप्शन को आप कैसे सेट कर सकते हैं नोकिया फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के जो आइकन्स हैं शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाले आइकन्स ओपन होंगे। फिर आपको सेटिंग्स पे जाना है, क्लिक करते ही फ़ोन की जो सेटिंग्स है इस तरीके से ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में वाइब्रेट फॉर कॉल्स ऑप्शन है तो वाइब्रेट फॉर कॉल्स ऑप्शन को आप सेट कैसे करेंगे, सिंपल आपके फ़ोन की सेटिंग शो हो रही है तो आपको सर्च करना है वाइब्रेट वाइब्रेट फॉर कॉल्स। तो यहाँ से वाइब्रेट फॉर कॉल्स को आप सेट कैसे कर सकते हैं, यहाँ से ऑलवेज वाइब्रेट नेवर वाइब्रेट को आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ से आप सेट करते हैं वाइब्रेट फॉर रिंग दिस ऑप्शन को। तो इस तरीके से वाइब्रेट फॉर कॉल्स को आप सेट इस तरीके से कर सकते हैं अपने नोकिया फ़ोन में। और साथ में अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलता तो आप फ़ोन की साउंड सेटिंग्स पर जाकर भी वाइब्रेट फॉर कॉल्स को सेट कर सकते हैं। आइकन शो हो रहे हैं तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाला आइकन्स ओपन, सेटिंग्स को ओपन करेंगे तो फ़ोन की सेटिंग्स भी ओपन हो जाएगी। साउंड सेटिंग पे जाएंगे तो यहाँ से वाइब्रेट फॉर कॉल्स को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ सेट कर सकते हैं नेवर वाइब्रेट, कॉल हमारी वाइब्रेशन करेगी, और बेस एम ग्रेप वाइब्रेट फर्स्ट रिंग, तो सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप वाइब्रेट फॉर कॉल्स को सेट कर सकते हैं अपने मोटोरोला फ़ोन में। तो आपको वीडियो चलाए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।